पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। गया पुलिस की बड़ी कार्रवाई कामयाबी मिली है। 1 लाख का इनामी नक्सली कमलेश रमानी उर्फ कमलेश राम को गया पुलिस और एसटीएफ की टीम ने की खिजरसराय थाना क्षेत्र के झोला बीघा से गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली कमलेश रमानी उर्फ कमलेश राम जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। नक्सली कमलेश रमानी पर महकार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से लेवी मांगने के मामले में वह 6 वर्षों से फरार चल रहा था। हालांकि इस मामले में 5 नक्सली को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसी जानकारी एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। कहा है कि गया के 2 नक्सलियों कमलेश रवानी उर्फ कमलेश राम और अनिल यादव उर्फ सद्दाम पर 1-1 लाख का इनामी घोषित किया गया था। उन्होंने बताया कि नक्सली कमलेश रमानी पर गया के मुफस्सिल महकार और नालंदा के पकड़ी थाना में मामला दर्ज है। फिलहाल इसके बारे में और इतिहास खंगाला जा रहा है। गया पुलिस के द्वारा लगातार कुख्यात अपराधकर्मियों एवं नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और वैसे अपराधकर्मी जो काफ़ी समय से फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की भी घोषणा कराई जा रही है। इसी क्रम में कमलेश रवानी उर्फ कमलेश राम जो कि महाकाल थाना कांड संख्या 16-19 जिसमें फरार चल रहा था उसकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित करवाया गया था। उसके बारे में यह सूचना मिली कि यह जो नक्सली है जो कि घोसी थाना जिला जहानाबाद का रहने वाला है वो खिजराय थाना अंतर्गत ग्राम झोलबीघा के पास देखा गया है। तो गया पुलिस की टीम तथा एसटीएफ की टीम के द्वारा वहां पर संयुक्त रूप से छापेमारी किया गया। तो वहां पर खिजराय थाना अंतर्गत ग्राम झोलबीघा से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर कई सारे मामले संगीन मामले दर्ज हैं जिसमें अभी तक 4 मामलों का पता चला है जिसमें महकार थाना कांड संख्या 16-19 में लेवी मांगने के लिए कई नक्सली वहां पर आए थे और उसके बाद पुलिस की टीम के द्वारा वहां पर कुछ नक्सलियों को पकड़ा गया था। हथियार भी बरामद हुआ था जिस संबंध में 16-19 कांड दर्ज कर अभी तक कार्रवाई की जा रही थी। उस मामले में यह पता चल रहा था। इस मामले में अभी तक पूर्व में 5 नक्सलियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है इस पर गया जिला के मुफस्सिल थाना में भी 2016 में नक्सल कांड इस पर दर्ज है। घोसी थाना में भी SC ST एक्ट के कांड में यह सम्मिलित रहा है जिसमें घोसी थाना कांड संख्या 2016 दर्ज किया गया था और राम सैकड़ केस में और नालंदा के भी थरथरी थाना में यह नक्सल गतिविधियों में शामिल था। तो 2008 में इस पर एक कांड दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर के 4 कांड इस पर दर्ज अभी तक पाए गए हैं और यह महाकाल थाना से के मामले में इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसी प्रकार से लगातार अन्य नक्सलियों एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान जारी है। पहली बार पकड़ा गया सर? नहीं, पूर्व में जेल जा चुका था लेकिन वर्ष 2019 के बाद ये नहीं पकड़ा गया था। उसके बाद ही ठीक। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।